राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताऊँ सारे का जॉब स्टार्ट यूट्यूब चैनल पर दोपहर का टाइम में बार फिर से स्वागत करूँ तो सुना दो क्या अंतर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ रहे हो। अरे स्वाद है तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर भाई नई भर्ती को लेकर भाई जमानो दमदार अपडेट आ गई है। ठीक है तारा ना बेरा हमें बिना बात वीडियो को नहीं बनाया करूँ, जिद भी कोई वीडियो आया जब कोई ठोस खबर आया करा जिदे वीडियो बनाया करा। तो भाई 12वीं पास अप्रोक्स 6991 पदों के ऊपर भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपकी भर्ती आने की पॉसिबिलिटी है। खबर आई आपको खबर दिखाऊंगा सारी की सारी, फॉर्म आपके दिसंबर के अंदर क्या निकलेंगे उस चीज के ऊपर भी चर्चा करेंगे, उम्र कितनी मांगी जाती है इसके अंदर, सिलेबस क्या रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, एग्जाम आपका कब पॉसिबल है और पहली बार में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हो, इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा कराएं। पिछली बार भी आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करी थी और सबसे बढ़िया रिजल्ट काट के दिए थे। ठीक है अब की बार फिर देखाएं क्या कुछ मामला हुआ, कत्ता फार्म निकले क्या कुछ मामला है, देखो भाई फटाफट। उससे पहला भाई अगर भाई आपको पता है अब जैसे कि जब भी आप लोगों ने सुना पुराने टाइम के अंदर गुरुकुल होया करते, ठीक है जब भी आप किसी भी मतलब की पढ़ाई के लिए जाते थे कुछ भी, तो आज के युग में एक तो फोन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तामना बेरा है, क्योंकि फोन के अंदर आप इंस्टाग्राम चला ले रील चला ले डिस्ट्रैक्शन होता है। तो भाई मेंटर 365 के नाम से भाई एक गुरुकुल खुले आना या जो कि आपका रेवाड़ी जिले के अंदर खुले आ रही है ना कि रेवाड़ी जिले के अंदर, इसके अंदर भाई मात्र आपके पास 80 सीटें हैं। ठीक है इसी के अंदर आपको क्या सारे कंपिटेटिव एग्जामों की तैयारी करवाई जाती है, एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल दिल्ली पुलिस हरियाणा सीईटी गवर्नमेंट कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करने लग रहे हो। ठीक है ये इनकी पूरी पूरी बिल्डिंग है, इसी के अंदर आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलेगी, इसी के अंदर आपको लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलेगी, स्पेशल फिजिकल ट्रेनर है जो कि आपकी फिजिकल की भी तैयारी करवाएंगे साथ के साथ, साथ में ये डेली आपको सुबह सुबह गाइडेंस देंगे कि भाई आज आपको क्या क्या चीज पढ़नी है, कैसे क्या कुछ पढ़ना है, कहां से पढ़ना, सारा कंटेंट देंगे, सारी चीजें करवाएंगे। इसके अलावा खास बात है कि यहां पर फोन बैन है, यहां पर आपका फोन है ये बैन है, फोन अलाउड नहीं है, कीपैड वाला फोन रख सकते हो ताकि ये कोई भी डिस्ट्रैक्शन हो ही ना। ठीक है कुछ वीडियो देखना कुछ भी देखना तो कंप्यूटर के ऊपर देखो, लाइब्रेरी के अंदर कंप्यूटर भी अवेलेबल आप लोगों के पास। ठीक है तो भाई ये आपका नया गुरुकुल खुल चुका है, जिसको भी तैयारी करनी कंपिटेटिव एग्जाम की भाई 365 रेवाड़ी के अंदर आपका खुला हुआ है, इसका जो नंबर है फोन नंबर जहां से आप लोग इनसे पूछ सकते हो फोन करके। ठीक है 40 सीटें इसकी भर चुकी हैं, 41 सीटें और खाली रह रही हैं, तो जो भी साथी इंटरेस्टेड है डिस्क्रिप्शन में फोन नंबर मिल जाएगा, वहां से कॉल करके आप इनसे जानकारी ले सकते हो भाई कितनी क्या कुछ फीस है क्या कुछ मैटर है, सारा का सारा सौदा आपको बता दिया जाएगा, खाने पीने की सारी बंदोबस्त यहीं पर, रहने का भी हॉस्टल फैसिलिटी सारा वगैरह वगैरह। ठीक है अब देखो भाई आगे, तो भाई ये आज आपका नोटिस आया है, क्या आया आपका देखो ये दिल्ली पुलिस ऑफिस ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर जयसिंह रोड न्यू दिल्ली, ये आपका दिल्ली का पिन कोड नंबर है, टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑल डिस्ट्रिक्ट यूनिट इंक्लूडिंग डैश 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 सारा ज्ञान लेकर रिगार्डिंग क्रिएशन ऑफ 6991 पोस्ट इन दिल्ली पुलिस इन फेज 3 इंफॉर्मेशन देयर ऑफ, यानी क्या क्रिएशन ऑफ 6991 पोस्ट, यानी कि 6991 पोस्ट क्रिएट करनी है आपको अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन ले लेंगे। क्या है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू डिस्ट्रिक्ट यूनिट बटालियन पीएचक्यू इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड इन ए प्रपोजल पेंडिंग इन एमएचए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर है भाई, वो प्रपोजल मांगता है दिल्ली पुलिस विभाग से कि आप हमें प्रपोजल भेजो कि आपके पास कितनी वैकेंसियां खाली हैं, उसके हिसाब से हम एसएससी को ऑर्डर देंगे और एसएससी फिर उसके हिसाब से नोटिस निकालेगी भाई कितनी वैकेंसी खाली, तो वो प्रपोजल मांगे भाई फटाफट से आप लोग वैकेंसियां भेजो भाई कितनी कुछ खाली, देखो क्या क्या डिटेल मांगी, डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग स्टाफ यानी कि जो स्टाफ पहले से मौजूद है उसकी डिटेल भरनी है कितनी वैकेंसी क्या कुछ है, और डिप्लॉयमेंट डिटेल्स ऑफ प्रपोज स्टाफ यानी कि और भी आप जो भी आगे आपको जो भी एक्स्ट्रा स्टाफ की जरूरत पड़नी है। ठीक है प्रपोज स्टाफ जो भी आपको भविष्य में स्टाफ की जरूरत पड़ेगी उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। ठीक है इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड दैट द अबो इन्फॉर्मेशन मे प्लीज बी फर्निश्ड टू दिस हेडक्वार्टर बाय 14/11/2024 14 तारीख तक भाई ये डिटेल आपको हेडक्वार्टर के अंदर पहुंचानी है। ठीक है तो भाई ये आपका लेटर निकाला गया था, तो भाई इसके अंदर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आप लोगों की, देखो टोटल वैकेंसी आपको दिख भी गई होंगी अप्रोक्स आपकी, देखो कोई गारंटी तो है नहीं भाई वैकेंसी कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 6991 वैकेंसी तो आप लोग फिक्स समझो कि इतनी वैकेंसी आपकी आने की पॉसिबिलिटी है। अब ये वैकेंसियां आएंगी कब, एसएससी दिसंबर के अंदर हमेशा अपना कैलेंडर निकालती है दिसंबर के अंदर, ठीक है तो दिसंबर के अंदर या फिर नवंबर के एंड के अंदर जो भी एसएससी का कैलेंडर आएगा, ठीक है उस कैलेंडर के अंदर ये वैकेंसियां अपडेट होके आएंगी 100%। ठीक है अब उस कैलेंडर के अंदर ही डेट लिखी आएगी कि ये वैकेंसियां कब पब्लिश की जाएंगी। ठीक है जैसे अभी आप लोगों को पता है एसएससी हर साल कैलेंडर निकालती है, तो दिसंबर में निकालती है जनवरी में निकालती है। ठीक है तो दिसंबर के अंदर अभी जैसे निकालेगी बच्चे हुए एग्जामों का नवंबर दिसंबर के अंदर, जिसके अंदर जैसे आपका सीपीओ मेंस की एग्जाम डेट आएगी सीजीएल मेंस की वो सारी चीजें लिखी आएंगी, तो उस कैलेंडर के अंदर क्या है एसएससी ये
सारी चीजें डाल के देगी भाई अगले साल भी कौन सी वैकेंसी आएंगी, ठीक है, और इस साल के जो बच्चे हुए एग्जाम है उनकी डेट क्या होगी। तो उस कैलेंडर के अंदर SSCA भी डाल के देगी कि कब हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन निकाल लेंगे। जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन मिली है ये नोटिफिकेशन आपका मार्च 2025 के अंदर आ सकता है भाई, मार्च 2025 के अंदर भाई ये नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि जनवरी फरवरी के अंदर आपके GD कांस्टेबल उनके पेपर निपटवाने हैं, तो मार्च 2025 के अंदर भाई ये नोटिफिकेशन आ सकता है। और अगले साल फिर आप ये समझो कि अगस्त सितंबर के आसपास आपका एग्जाम वगैरह कंडक्ट होके सारी चीजें आपकी प्रोसेस में आ सकती हैं, ऐसी अभी संभावना जताई जाने लगी, क्या पता मार्च से पहले भी आ जाए नोटिफिकेशन, फिलहाल तक के हिसाब से ये है। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर अगर आपको लगना है, आपका सपना है, तो इसके अंदर आता क्या, ये इसका एग्जाम पैटर्न है भाई, जिक्के आते हैं इसके अंदर इंडिया जिक्के के अंदर भी सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है कौन सा आता है आपका स्टैटिक जिक्के का पोर्शन आओ भाई। स्टैटिक जिक्के के अंदर क्या क्या टॉपिक शुमार आपको बताता हूँ, स्टैटिक जिक्के के अंदर जैसे आपके जो डांस है, शास्त्रीय नृत्य हो गए, लोकगीत हो गए अलग अलग स्टेट के, या कोई भी जैसे मतलब कि त्योहार हो गए, मेले हो गए, बहुत सारी चीजें हैं, तो स्टैटिक जिक्के के अंदर आते हैं। स्टैटिक जिक्के के इसके अंदर भाई 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं, ये पोर्शन आता है स्टैटिक जिक्के का। और आप लोगों को पता पिछली बार अपनी स्टैटिक जिक्के की वजह से ही अपनी वीडियो चली थी सबसे ज्यादा, ठीक है, तो 14 से 15% स्टैटिक जिक्के के आएंगे। इसके अलावा हिस्ट्री आएगी जिक्के के अंदर, पॉलिटी आएगी, इनके सारे 6-6, 7-7% आते हैं, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर अलग से पोर्शन है, ठीक है, ये सारी इकोनॉमिक्स वगैरह जिक्के के अंदर आएंगे, 50% आएंगे। 50 के अंदर से आप लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा पूरा जोर मार दो तो भी आप लोग 35 के आसपास आराम से स्कोर कर दोगे। ये स्कोर बच्चों का 40 तक भी चला जाता है, रेयर बच्चों का, ठीक है, इससे फालतू तो आप स्कोर नहीं कर पाओगे, कोई लक फैक्टर गएगा था, तुक्का लगा फिर अलग बात है, बाकी पूरे नंबर कभी भी नहीं आने। तो जिक्के के ऊपर जोर लगाना है, लेकिन इतना भी नहीं लगाना कि सारा जोर इधर लगा दो। उसके बाद आपके ये जो तीन सब्जेक्ट आपके बच गए, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर, इनके अंदर आप पूरे बटे पूरा, खासकर इस सब्जेक्ट के अंदर पूरा बटे पूरा स्कोर कर सकते हो। मैथ के आपके 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 नंबर के आएंगे, और 15 बटे 15 बच्चे स्कोर करते हैं, पिछली बार मेरे दोस्त के आए खुद के 15 बटे 15, ठीक है। रीजनिंग के अंदर भी बच्चे 25 बटे 25 स्कोर करते हैं, इजी मैथ रीजनिंग आते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर, कंपटीशन आपका जिक्के के अंदर होता है सारा। कंप्यूटर के अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 के 10% आप लोग इजीली सोल्व कर सकते हैं, अगर ज्यादा से ज्यादा नहीं तो भी 7 से 8% तो इजीली सोल्व कर ही देते हैं बच्चे। आपको जो मेन फोकस रखना, मैं आपको बता देता हूं, मैथ और रीजनिंग पर रखना भाई, मैथ रीजनिंग को पहले स्ट्रॉन्ग कर लो, इनके ऊपर पकड़ बना लो, अगर इसके अंदर आपके पूरे पूरे नंबर आते हैं फिर आप ये समझो कि आपकी आधी समस्या खत्म, फिर जिक्के समस्या, जिक्के के लिए अपने पास ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, अलग से स्पेशल यूट्यूब के ऊपर फ्री बैच चलेगा, उसके अंदर से आप लोग आराम से जिक्के तैयार करके आराम से गंडा पाड़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 90 मिनट का आपको उसके अंदर समय मिला, 90 मिनट तो बहुत ज्यादा भाई, CGL CHSL CPO के अंदर तो 60 मिनट मिलती है, 60 मिनट में 100% करने होते हैं, यहां पर आपको ये देखो 90 मिनट के अंदर 100 करने हैं। और जो SSC के खिलाड़ी जो बच्चे हैं मैथ रीजनिंग के ऊपर ही टाइम लेते हैं, इसको आराम से निपटा देंगे, आराम से जिक्के भी ज्यादा टाइम नहीं लेते SSC वाले बच्चे, जिक्के के अंदर भी उनको पता आता है तो टिक मारो, नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। तो आराम से भाई बहुत ज्यादा समय टाइम बच भी जाएगा, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, ये इसका एग्जाम पैटर्न होगा। अब बात करते हैं इसकी तैयारी आपको करनी कैसे है। तैयारी भाई आप किसी का बैच भी परचेज कर सकते हो, YouTube से भी फ्री पढ़ सकते हो, चॉइस आपकी होगी, ठीक है। पहले एक बार के लिए नोटिफिकेशन आने दो, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपने CET का बैच निकाला हुआ है, HSSC CET का अपना ऐप है जॉब्स टारगेट के नाम से, अगर आप मैथ अपना अच्छे से तैयार करना चाहते हो तो आप उस बैच के अंदर से मैथ की तैयारी कर सकते हो, अगर आप साथ में CET की भी तैयारी करने लग रहे हो, ठीक है। और अगर आपको मतलब स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जब वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करनी है, तो आप नोटिफिकेशन तक का वेट कर लो भाई, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, मात्र 3 ही महीनों का समय मिलने वाला है, 2 से 3 महीनों का, 2 से 3 महीनों में तैयारी पॉसिबल है नहीं, तैयारी जब आप पहले से स्टार्ट करोगे तभी बात बनेगी। फिलहाल के लिए आप एक बार के लिए 10-15 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही SSC का कैलेंडर आ जाएगा, कैलेंडर के अंदर आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा किस दिन आ सकता है आपका नोटिफिकेशन, श्योर शॉट भाई इस तारीख को, ठीक है, तो आपके सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे भाई। तो यही इन्फॉर्मेशन आप सभी को देनी थी। उम्र इसके अंदर 18 से 25 की मांगी जाती है, उम्र बताने में भूल गया था, 18 से 25 साल के जितने भी नर और मादा हैं 12वीं पास हो इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं भाई, ठीक है। सारे राम राम, धन्यवाद, ले लो, खेच जाओ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अपने चैनल के ऊपर ही मिलेंगी भाई।